चलिए आज किसानों के साथ आठवें दौर की बैठक समाप्त हो चुकी है। सीधा आपको लाइव ले चलते हैं दिल्ली, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जानकारी दे रहे हैं किसानों के साथ हुई आठवें दौर की बैठक को लेकर। सुनिए, विषय आए जिस विषय में किसान को कोई परेशानी होने वाली है तो सरकार खुले मन से उस पर विचार करने को तैयार है। और किसानों का आंदोलन हो गया है, साथ मीटिंग हो गई है, अभी तक कुछ रेजोल्यूशन निकल कर नहीं आया। क्या स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की गलत है या फार्मर्स रिलक्टेंट है कि वो बैकडाउन नहीं करेंगे? अभी अगर आप बता पाए, अभी 8 तारीख को 2 बजे बैठक होगी, उसमें चर्चा आगे बढ़ेगी। सर, ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि आज फार्मर चेंजिंग का रोल को एक ऑब्जर्वेशन ये था कि सरकार इस पर विचार करे कि कमेटी का गठन हो, तब तक किसी लॉज को होल्ड पे रखा जाए। क्या इस बारे में सरकार ने कुछ सोचा है? क्या इस बारे में कोई सजेशन आया? मैं समझता हूँ न्यायालय के विषय में कोई टिप्पणी करना इस समय उपयुक्त नहीं। मैं आराम से पूछे, मैं चिल्ला दे रहे ऐसा नहीं है। किसान यूनियन लगातार चर्चा कर रही है और जब हम तारीख तय करते हैं तो किसान यूनियन की रजाबंदी से ही तारीख तय करते हैं। हम अपनी तरफ से तारीख नहीं देते। तारीख तो बहुत सारी तय हुई, लेकिन सारी तारीख तय होने के बाद किसान बाहर आके कहता है कि बात वही के वही अटकी है और जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर ये बिल वापसी पे ही अगर ये अड़े रहे तो फिर सरकार का रुख क्या होगा? मुझे लगता है जल्दी समाधान होगा। स्वाभाविक रूप से रास्ता निकलने के लिए तो तालियां दोनों हाथ से ही बजती है ना। सर, एमएसपी पे आपने क्या ऑफर किया आज किसानों को? क्या बातचीत हुई थी जो आप बता रहे हैं थोड़ी देर चर्चा एमएसपी पे? देखिए, जब चर्चा सिरे नहीं चढ़ती है तब तक कोई भी निर्णय नहीं होता, निर्णय नहीं होता तब तक आपको बताया नहीं जा सकता। आप कई किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं जो बिल के कानून के समर्थन में है लगातार, हम देख रहे हैं। क्या फिर से आप उनके साथ एक साथ बैठकर बातचीत करेंगे क्या? इन किसानों से बातचीत करने के पहले या फिर बातचीत? स्वाभाविक रूप से हम देश भर के किसान संगठन जो अप्रोच करते हैं सरकार को, हम उनसे भी मिलते हैं, क्योंकि भारत सरकार तो सभी किसानों के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए हर किसान को भी मिलते हैं, किसान यूनियन को मिलते हैं, संगठन को मिलते हैं, और निश्चित रूप से देश भर का जो मानस बनेगा उसके हिसाब से निर्णय की दिशा आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह, और जैसा कि आपने सुना आज जो बातचीत हुई किसानों के साथ, पत्रकार लगातार उनसे इसी मसले पर सवाल कर रहे थे। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण सवाल था कि क्या बातचीत हुई है, क्या सरकार पीछे अपने कदम हटाएगी। हालांकि इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ताली दोनों हाथों से बजती है, तो कहीं ना कहीं किसानों से अभी भी सरकार ये उम्मीद लगाए बैठी है कि किसान जो अपने मुद्दों पर जहां पर अड़े हुए हैं शायद उससे थोड़ा पीछे हटकर सामंजस्यता के साथ इस कानून में जो प्रावधान है उसको समझेगी और आगे बात बढ़ेगी। हालांकि मौजूदा समय में जो भी बात हुई है उसको लेकर पूरी तरह से स्पष्ट जवाब अभी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नहीं दिया है। जब तक कि बातों को लेकर जो किसानों को अवगत कराया गया है जिन मसलों से, उसको लेकर उनका क्या निर्णय है, क्या उसको लेकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते हैं कि नहीं, इन सब चीजों को मद्देनजर रखने के बाद ही केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आगे बढ़ेंगे और इसके बारे में जनता को बताएंगे। हालांकि अभी आठवें दौर की जो बातचीत समाप्त हुई है उसमें कोई भी निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ पाया है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि जो अगली बैठक होने वाली है 8 जनवरी को, उसमें कुछ बेहतर समाचार निकलकर सामने आ सकते हैं।